गाजीपुर से आदित्य कुमार सीनियर रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर ग्रामीणों ने धूमधाम से निकाला भव्य जुलूस। खबर गाजीपुर जिले के ग्राम सभा मनिहारी से, जहां पर ग्रामीणों ने बाबा साहेब की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलूस निकाला, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रण भी लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जखनिया विधायक बेदी राम जी रहे। उन्होंने पार्क में लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि बाबा साहब ने मानवता को संदेश दिया है। वह किसी एक धर्म मजहब विशेष के लिए काम नहीं किया, उन्होंने पूरे देश के लिए कार्य किया है। ऐसे में यह एक बड़ा महापर्व है जिसे जगह जगह हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसके बाद सभी गांव के पुरुष, महिलाओं व बच्चों के द्वारा जुलूस निकला गया, जो मोहब्बतपुर होते हुए शादियाबाद जगपति राम चौराहा पर कुछ देर के लिए रुका। इसके बाद कस्बा दयालपुर होते हुए खतिबपुर अंबेडकर पार्क, फिर सिधार के रास्ते कुल अंबेडकर पार्क मनिहारी में समापन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक आदित्य कुमार पत्रकार ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनाई गई तथा जुलूस भी निकाला गया। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। बाबा साहब भारतीय संविधान के शिल्पकार हैं, जिन्होंने पिछड़े अति पिछड़ों के लिए तो कार्य किया ही, इसके साथ ही सभी को समानता रूप से जीवन जीने का अधिकार दिया। कहा कि बाबा साहब ने जो संघर्ष के साथ कार्य किया है, आज के युग में संसाधन होने के बावजूद भी लोग उतना कार्य नहीं कर पाते हैं। जुलूस में सम्मिलित लोगों के लिए जगह जगह जलपान की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार, पूर्व प्रधान पुत्र उपाध्यक्ष अजीत कुमार, ग्राम प्रधान पुत्र कोषाध्यक्ष सतीश कुमार, बड़े बाबू सलाहकार, सलाहकार रामजतन राम, पूर्व प्रधान बाऊ राम, डॉक्टर अच्छेलाल, दिनेश कुमार, जवाहर राम, पारस राम इत्यादि मौजूद रहे। Thank you.